नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। समाज व्यक्ति का आईना होता है, जो इस आईने के अंदर अपने आप को देखकर अपने विकास की कहानी लिखता है, वही कामयाबी को हासिल करता है। इसी कामयाबी के धनी से हम आज आपको मिलवाते हैं कमल जी शर्मा से। नमस्कार कमल जी, आपका टीवी राजस्थान में स्वागत है। आप राजस्थान में कहाँ से बिलोंग करते हैं? नमस्कार जी, मैं राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट में लक्ष्मणगढ़ शहर है, मैं लक्ष्मणगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आपकी क्या एजुकेशन है? मैंने बीकॉम तक पढ़ाई करी है। आप राजस्थान से पढ़ाई करके कहाँ गए? जी मैंने पढ़ाई राजस्थान में नहीं करी है, क्षमा चाहता हूँ। मेरा जन्म बिहार का है। हमारे दादाजी करीब 80 साल पहले राजस्थान छोड़कर जीविकोपार्जन के लिए बिहार चले गए थे। तब से हम बिहार में ही रहते थे। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा जन्म रांची का है। 1988 में मैं रांची से कैरियर बनाने के उद्देश्य से सूरत आया। सूरत में आने के बाद आपने यहाँ पे किन किन कठिनाइयों का सामना किया? जी जब आप संसार में निकलते हैं तो कठिनाइयाँ तो सामने आती ही हैं, उसी तरह छोटी मोटी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में भी आई, बाकी सब सुचारू रूप से चल रहा है। आपकी फैमिली में यहाँ सूरत में कौन कौन रहता है? जी मैं मेरी मम्मी के साथ में, मेरा छोटा भाई है, पत्नी, बच्चे, छोटे भाई की पत्नी, उनके बच्चे, हम सब साथ में हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं। आप यहाँ पे किन किन सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? जी मैं ब्राह्मण समाज से हूँ और खांडल विप्र समाज से, आर्ट ऑफ लिविंग से, श्री श्याम मंडल सूरत से, अटल आश्रम, राजस्थान युवा संघ, नारायण सत्संग सेवा समिति, इस तरह की कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। आप यहाँ पे खंडेलवी समाज में अध्यक्ष के रूप में क्या कार्य करते हैं? जी समाज में हम, समाज का तीन उत्सव होता है हमारे समाज में। यहाँ पे परशुराम जयंती का होता है, होली और दिवाली का स्नेह मिलन होता है। इसके अलावा समाज में हम वन विहार का एक कार्यक्रम रखते हैं साल में, ब्लड डोनेशन का कैंप रखते हैं। समय समय पे बच्चों में बौद्धिक विकास के हिसाब से कार्यक्रम होते रहते हैं। आपके सिखावटी समाज में होली का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उसके बारे में बताइए। जी पूरे विश्व में राजस्थान की होली प्रसिद्ध है और सूरत में भी हम उसी उत्साह के साथ में होली का कार्यक्रम यहाँ पे मनाते हैं। हमारे सूरत में एक संस्था है राजस्थान युवा संघ, जिसके तहत 4 दिन का कार्यक्रम यहाँ भी बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। उसके अलावा राजस्थान के विभिन्न कस्बों से आए हुए लोग भी अपने हिसाब से चंग का, ढप का, धमाल का, इस तरह का गैर नृत्य का, छतरी नृत्य का, ये सब कार्यक्रम करते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है। समाज में कुप्रथाएं होती रहती है, दहेज, आप उनको कैसे दूर करेंगे? जी दहेज के बारे में ये समाज में बहुत ही निंदनीय विषय है। बाकी मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा जिस समाज में जन्म हुआ है, हमारे यहाँ दहेज का अभी तक कोई ऐसा किस्सा नहीं है जिसकी वजह से समाज को शर्मिंदा होना पड़े। आपने इतनी मेहनत की, आप इस स्तर पर पहुँचे हैं, तो आप क्या संतुष्ट हैं कि हाँ मैं इस स्तर पर ठीक हूँ? जी मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ मेरे जीवन से, क्योंकि ये स्वयं का बनाया और समाज के सहयोग से बनाया हुआ जीवन है। बाकी मैं अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। सूरत आके आपने 3 साल जॉब किया और आप इतने बड़े कंस्ट्रक्टर बन गए हैं, तो आपने इनके बीच में किन किन कठिनाइयों का सामना किया? जी ऐसा है, मैं सूरत जब 88 में आया तो सूरत का भी बहुत विकास नहीं हुआ था और मेरा भी बहुत विकास नहीं हुआ था। तो सूरत के विकास में और मेरे स्वयं के विकास में समय का बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं 88 में यहाँ पे आया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने यहाँ सूरत शहर के अंदर में 10 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई है। सूरत का ऐसा कोई भी कोना नहीं है
जहाँ का सफ़र मैंने मोटरसाइकिल से नहीं किया है या सूरत के आसपास का, उसका कारण यह रहा कि हमारा यार्न का व्यवसाय था और यार्न के व्यवसाय में लूम्स खाते हैं वो दूर दूर इंडस्ट्रियल एरियों में बसे हुए थे, सूरत का विकास भी नहीं था, तो उस समय काफ़ी मेहनत करी लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह मिल जाती है। तो समय के साथ साथ हम भी प्रगति कर गए और कठिनाइयां तो देखो कभी भी आगे बढ़ते हैं तो आती ही हैं, उसी हिसाब से कोई ऐसी विशेष ऐसा कोई वाकया नहीं है, बाकी खूब मेहनत करी है हमने, खूब मेहनत करी है। जो आपने सूरत में मेहनत की है उसके हिसाब से जो आपको फल मिलना चाहिए क्या वो मिला आपको? जी ऐसा है, मेहनत का फल भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा काम कर्म करने का है और परमात्मा अपने हिसाब से फल देता है। मेरे को जो भी परमात्मा ने दिया मैं समझता हूँ कि मैंने जितना किया उससे बहुत ज़्यादा उन्होंने हमको वापस दिया, अपना कीमती समय हमें दिया।